Hey guys, what is up? और दोस्तों एक और स्मार्ट वॉच की वीडियो। वैसे भाई फायरबोल्ट ना इतनी सारी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करता है, तो मुझे लगता है भाई उनके पास अब और कोई स्मार्ट वॉच लॉन्च करने को है नहीं, तो इसीलिए भाई वापस से उन्होंने दोबारा से अपनी एक जो पहले उन्होंने लॉन्च करी थी फायरबोल्ट डैगर, उसे लॉन्च कर दिया है। इससे पहले ना भाई क्वांटम ब्लिजर्ड भी हमने रिव्यू करी थी और उनका भी मतलब ऐसे रीलॉन्च यानी स्पेशल एडिशन उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये जो वॉच है ना यहाँ पर ये फायरबोल्ट डैगर इन्होंने पहले लॉन्च किया था नॉर्मल एडिशन, अब यहाँ पर उन्होंने इसका लॉन्च किया है लक्स एडिशन यानी लग्जरी एडिशन। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहे भाई हमारे फायरबोल्ट डैगर, भाई मतलब खंजर के डब्बे देख सकते हो भाई। ये जो वॉच है ना इस बार मेटल स्ट्रैप्स के साथ आती है कुछ इस तरह से, और ये वॉच में आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है 1.43 इंच का, तो इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा और ये सारे फीचर्स हैं देख सकते हो। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं। वैसे ये वाला बॉक्स मैंने ऑलरेडी ओपन करके यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आपको मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे तड़कती भड़कती जो आती है ना मतलब ऐसे शाइनी सी वो वॉचेस पसंद नहीं है ना, तो ये वाली वॉच की जो लुक है ना देख सकते हो बहुत ही स्टेल्थ लुक है ब्लैक कलर में, इसीलिए मैंने इसको पहना हुआ था कुछ दिनों से। और इसको हम रखते हैं साइड में, और एक और मेरे पास जो वेरियंट है वो यहाँ पर है स्टेनलेस स्टील वाली, तो इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो ये वॉच कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ। और स्टेनलेस स्टील में ना जैसा आप देख ही सकते हो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडिशनल सी यहाँ पर इसमें लुक आपको मिलती है, मतलब ठीक है इस तरह की लुक भी अगर आपको पसंद है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ना ये वाली ब्लैक वाली काफ़ी बढ़िया लगी इन हैंड। इसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर जो इसकी चार्जिंग केबल है पो कनेक्टर पिन वाली मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। लेकिन इस बार ना मतलब फायरबोल्ट ने इसमें जो एडजस्टेबल टूल होता है ना जो स्ट्रैप्स को एडजस्ट करने के लिए वो नहीं दिया हुआ है, बट देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यार इसको अपने हैंड साइज के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इस वॉच की जो लुक या फिर इन हैंड फील रहती है। बाकी ये जो सिल्वर वाली है ना इसके ऊपर ये प्लास्टिक रैपर से लगे हुए, तो उसको एक बार मैं हटा देता हूँ। और ये वाली जो वॉच है ना देख सकते हो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है। देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, पूरी मेटल बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन ऑब्वियसली भाई मेटल है तो थोड़ी सी यहाँ पर हैवियर साइड पर है, तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाली जो वॉच है देख सकते हो इसका जो वेट है वो है 133 ग्राम। नॉर्मली जो वॉचेस होती है ना पॉलीकार्बोनेट वाली अराउंड 38 ग्राम के करीब होती है, मेटल वाली अराउंड 50-48 ग्राम के आसपास रहती है, लेकिन यहाँ पर 133 ग्राम है तो थोड़ी हैवी है। जैसे ये वाला मेरा आईफोन है तो देख सकते हो मेरा आईफोन यहाँ पर 139 ग्राम के करीब है, और ये जो वॉच है भाई 133 ग्राम है, तो इस फोन के बराबर इसका वेट है। तो ऑब्वियसली बात है भाई इसको आप रात को पहन कर तो नहीं सोओगे क्योंकि काफी डिस्कम्फर्टेबल जो रहती है ये। बाकी इस वॉच की ओवरव्यू की बात करें तो 1.43 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले है और ये एमुलेट डिस्प्ले, तो इसको ऑन करके मैं दिखाऊंगा। ऊपर जैसा आप देखते हो एक टैकीमीटर सा है, यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं, तो एक यहाँ पर ये फंक्शन बटन है, एक यहाँ पर ये दूसरा एक और बटन है। इसको मैं अभी इसकी फंक्शनलिटीज भी आपको दिखाऊंगा। पीछे इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर्स हैं, और यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप मिलेंगे, माइक्रोफोन यहाँ पर आपको मिलता है, और इसका जो स्पीकर है वो कुछ इस साइड पर आप देख सकते हो ये रहा। वैसे पहले जो लॉन्च करी थी ना फायरबोल्ट ने तो वो यहाँ पर सिलिकॉन स्ट्रैप्स के साथ लॉन्च करी थी, तो उसमें इसकी जो लुक है ना थोड़ी सी रगेड टाइप की थी, लेकिन मेटल स्ट्रैप के साथ ये जो वॉच है भाई लग्जरी एडिशन हो गई है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो दूसरी है जो जिसको मैं यूज कर रहा था ब्लैक वाली, तो उसकी जो लुक है देख सकते हो वो कुछ इस तरह से रहती है, और यहाँ पर देख सकते हो भाई काफी अच्छी खासी यहाँ पर इसकी लुक है, मैट टाइप की फिनिशिंग है यहाँ पर, लेकिन पूरी मेटल आपको बिल्ड मिलती है, और जो चेन है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे मैट फिनिशिंग है। और ओवरऑल दिखने वाइज ये जो वॉच है ना बहुत ही बढ़िया लग रही है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इस वॉच में आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो जो कलर्स वगैरह है वो यहाँ पर काफी पंची है, काफी डीप ब्लैक्स और काफी अच्छे खासे यहाँ पर जो रेशन है इस वॉच की। बाकी जो ब्राइटनेस है वो अराउंड 600 निट्स की है, तो विजिबिलिटी में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडोर आउटडोर काफी अच्छे से विजिबल रहता है इसका डिस्प्ले। बाकी ऑब्वियसली एमुलेट डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये इसका एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल टैप टू वेक वाला फीचर नहीं मिलता। उसके अलावा इसका जो डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से रहता है, तो ये थोड़ा कलरफुल सा है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी विजिबिलिटी में बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक है, आउटडोर में भी यहाँ पर काफी अच्छे से विजिबल रहता है। बाकी इस वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिख जाती है, कैलरी स्टेप्स और यहाँ पर डेट वगैरह, लेकिन जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है इस वॉच की। बाकी इस वॉच के फीचर्स की बात करें तो इसके जो फीचर है एक्जैक्टली सिमिलर है जो उन्होंने पहले लॉन्च करी थी फायरबोल्ट डैगर, तो वैसे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन जल्दी से मैं आपको इसके फीचर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले वॉच फेस है, ये मैंने इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया है, लेकिन इसको चेंज करना हो तो इसकी स्क्रीन को होल्ड करके आप यहाँ पर अलग अलग जो वॉच फेसेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे ये वाला वॉच फेस है। लेकिन इसके जो बेजल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक टॉर्च लाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर इस फ्रेम के अलावा आपको जो बेजल्स वगैरह वो इतने ज्यादा दिखेंगे नहीं, तो ये अच्छी बात है। बाकी ये जो वॉच है ना भाई हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, तो मैंने इसको भाई हिंदी लैंग्वेज पे इसको रखा हुआ था, तो इसके जो फीचर्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पैनल है, और किसी भी टैप करोगे तो यहाँ पर जो SMS वगैरह पढ़ सकते हो, और कोई नया SMS आता है ना तो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ये जो पॉपअप आ जाता है इस पर टैप करोगे तो इस तरह से जो मैसेज वगैरह पढ़ पाओगे, और मैसेज जो है ना वो 20 वर्ड के आसपास ही दिखाता है, पूरा मैसेज नहीं दिखाता है, तो यहाँ से इस तरह से जो मैसेज वगैरह आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो क्विक टॉगल बटन है, तो देख सकते हो
कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी खासी ब्राइटनेस है। उसके अलावा यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह में जाओगे तो सेटिंग को हम आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर होम स्क्रीन पे राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर इसके जो शॉर्टकट कार्ड है तो एक्टिविटी के ऑप्शन है, स्वाइप करके जो हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे कितनी कैलोरी बर्न करी है, डिस्टेंस कवर किया। उसके अलावा स्वाइप करोगे तो हार्ट रेट, यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग है। ऑब्वियसली मैंने इसको रात को पहनकर नहीं सो पाया था तो यहाँ पर काफ़ी भारी वॉच है। उसके अलावा यहाँ पर जो करंट एरिया का वेदर है भाई 40 डिग्री हो गया तो गर्मी बढ़ती जा रही है। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है और म्यूजिक को अगर आपको जैसे प्ले पॉज करना तो ये बटन दबाओगे तो म्यूजिक वगैरह बजना शुरू होता है। और ये जो म्यूजिक है ना मेरे फोन में बज रहा था, यहाँ पर वॉच में म्यूजिक नहीं बजता है क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं ब्लूटूथ सेटिंग में जाऊँ ना तो ऑडियो में यहाँ पर ये भी डिसेबल है, लेकिन मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ से ये इनेबल नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज है, मतलब अगर आपको फोन में म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो बाद यहाँ प्लस के बटन पर टैप करूंगा तो यहाँ पर जो शॉर्टकट कार्ड है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, तो हटाना है या फिर ऐड करना तो वो यहाँ से कर लो। उसके बाद मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये जो ऊपर वाला बटन है इसको प्रेस करोगे तो मेन्यू एक्सेस कर सकते हो, या फिर होम स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो भी मेन्यू एक्सेस हो जाएगा। और इसका जो मेन्यू है देख सकते हो कुछ इस तरह से रहता है। तो अभी यहाँ पर ये लिस्ट स्टाइल में, लेकिन इसको चेंज करना है तो यहाँ पर ये ऊपर वाला बटन है, दो बार टैप करोगे तो मेन्यू स्टाइल यहाँ पर चेंज हो गया, तो कुछ इस तरह से डायल टाइप का हो गया। दोबारा से यहाँ टैप करोगे तो छोटे आइकन हो गए, वापस से मैं इसको बड़े आइकन में कर देता हूँ। तो ये कुछ दो तीन मेन्यू स्टाइल है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको टेलीफोन संपर्क व्यक्ति मैंने के कॉन्टैक्ट्स कॉल रिकॉर्ड और ये क्या है वॉइस सहायक, तो यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। डेटा, व्यायाम, और व्यायाम में आपको यहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी ऐप में जाकर जो आपको अपने हिसाब से जो ऐड करने होंगे तो वॉच में आपको अराउंड 19 के आसपास मिलते हैं, बाकी इसकी ऐप में जाकर आपको ऐड करना होगा। लेकिन एक ही यहाँ पर आप अलग से और ऐड कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सबसे नीचे जाकर दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एक जो ऐड किया वो किया है फिटनेस गेम। अब आप बोलोगे भाई फिटनेस मोड कौन सा वर्कआउट मोड होता है, तो जैसे मैं वीआर वाली गेम्स खेलता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है तो ये वाला जो वर्कआउट मोड मैंने ऐड किया था। लेकिन उसके अलावा ना बाकी देख सकते हो भाई, टहलना, दौड़ना, इनडोर दौड़ना, चढ़ना और मजबूती का प्रशिक्षण, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, अंडाकार, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं भाई एलिप्टिकल, तो उसका हिंदी मेरे ख्याल से अंडाकार अनुवाद होता होगा। बाकी योगा, पिंग पोंग, रस्सी कूदना, ये क्या रोइंग मशीन, लेजी कार, व्यायाम, बाइक, टेनिस, बेसबॉल, रग्बी, क्रिकेट, साइकिल चलाना और फिटनेस गेम। तो एक जो फिटनेस मोड है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, बाकी 19 है वो एक्जैक्टली सिमिलर रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा इन व्यायाम रिकॉर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद है हृदय गति, स्लीप, रक्त, ऑक्सीजन, तो SPO2, संदेश, नोटिफिकेशन, मौसम, और उसके बाद महिला लिखा है, मतलब महिला के लिए बेसिकली यहाँ पर जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है। बाकी स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म घड़ी, समय सेट करें और फोन तलाशें, उसके बाद कैलकुलेटर है और साथ में सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में यहाँ पर प्रदर्शन, बेसिकली डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन यहाँ पर बोल रहे हैं। और इस वॉच में ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बावजूद यहाँ पर जो रेस टू एक वाला फीचर अच्छे से काम करता है, तो वो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा AOD घड़ी, जैसे यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग वाली जो अपने आप से सेट कर लो, तो ये इसके भाई सेटिंग्स हैं। उसके बाद बैटरी, कंपन, तीव्रता, जिसमें यहाँ पर बंद, सौम्य और मजबूत, यानी कि थोड़ी आपको हैवी वाइब्रेशन चाहिए, भाषा, QR कोड, समय सेट करें और प्रणाली में बेसिकली शट डाउन करें, रिबूट और रीसेट करें। इसकी हिंदी उनको शायद नहीं मिली है, तो इसकी क्या हिंदी रहेगी वो आप कमेंट करके बताओ। तो ये इसके फीचर्स हैं, फीचर्स वाइज जैसा आपने देखा काफी अच्छे खासे फीचर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गेम्स वगैरह नहीं मिलती हैं जो वैसे नॉर्मली फायरबोल्ट की वॉचेस में मिल जाती हैं। तो इस वॉच को पहनने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जो क्लिप्स रहता है, और मैंने इसको अपने हैंड साइज के हिसाब से पूरा एडजस्ट किया हुआ, तो देख सकते हो काफी यहाँ पर स्नग फिट है। और दिखने में जो वॉच है इन हैंड जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, काफी बढ़िया लगती है। ऑब्वियसली बात है भाई, आपके जो अगर थिन रिस्ट रहेंगी तो उस पर काफी ज्यादा बल्कि लगेगी क्योंकि जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा है यहाँ पर, और 1.43 इंचेस का जो सर्कुलर डिस्प्ले होता है ना वो काफी बड़ा रहता है, तो काफी बड़ा सा यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है, तो काफी बल्कि स्मार्ट वॉच भी है और काफी हैवी भी है, लेकिन दिखने में काफी सही लग रही है। वैसे ब्लैक वाली मुझे काफी सही लगी, लेकिन सिल्वर वाली भी मैं पहन के दिखाता हूँ, और सिल्वर वाली को मैंने अपने रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया, तो उसकी जो लुक रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। तो ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल सी लुक है, तो आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लगी। बाकी अब एक बार इसकी हृदय गति और रक्त ऑक्सीजन SPO2 वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे हृदय गति में, और यहाँ पर मैंने अपने फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर भी लगाया, ऑक्सीमीटर को क्या बोलते होंगे हिंदी वो नहीं पता मुझे, लेकिन देखते हैं यहाँ पर जो कितनी जो क्लोज रीडिंग्स रहती हैं इस वॉच में। तो यहाँ पर वॉच ने इस टाइम पर दिखा दिया है 88 बीट पर मिनट, और इस टाइम पर जो ऑक्सीमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 91, यहाँ पर 90 दिखा रहा है, 93, तो देख सकते हो मतलब क्लोज सी रीडिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, तो 100 पहुँच गई वैसे बोलते बोलते, और यहाँ पर भी 98 पहुँच चुकी है, तो ये मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वाला था वो था रक्त ऑक्सीजन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है 97%, और इस वॉच में अभी ये कैलकुलेट कर रहा है, तो देखते हैं कितना यहाँ पर जो रीडिंग रहती है, और यहाँ पर जो रीडिंग रहती है वो यहाँ पर देख सकते हो 98% है, और ऑक्सीमीटर में भी 98% ही दिखा रहा है,
तो काफी सही है, लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ भाई ये जो वॉचेज है मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, तो आप इनको अगर यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज किया करो। लेकिन इसके अलावा ना इस वॉच में आपको यहाँ पर जो रेड सेंसर और ग्रीन सेंसर मिलते हैं तो मुझे लगता है वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी मिलता है। तो अगर आपने ये वॉच नहीं पहनी ना तो किसी तरह से यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करती है। जैसे हार्ट रेट है तो मैंने यहाँ पर इसको मेजर कर रहा हूँ, टेबल पर भी रख देते हैं, और टेबल पर रखने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह से कोई भी रीडिंग शो नहीं करती है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक एरर शो कर दिया है इसने। तो इसके लिए जैसा देख सकते हो इसने लिखा है कृपया इसे सही ढंग से पहने, मतलब कृपया लिखा है तो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि धमकी दे रहा हूँ। तो ये भाई इसके जो हेल्थ वाले फीचर हैं काफ़ी अच्छे से काम करें। लेकिन अब एक बार इसमें कॉलिंग का जो फीचर है उसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर टेलीफोन में, तो मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ, और नंबर डायल करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं। और जैसा आप सुन सकते हो कि यहाँ पर जो स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मैं एक बार इसे काट देता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडोर हो आउटडोर हो किसी तरह से आपको कॉल लेने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से जो कॉल सुन सकते हो आप इस पर। और इसके अलावा माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया, मैंने कुछ कॉल्स ली थी इस वॉच पर, और डेफिनेटली सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इसका जो माइक है ना यहाँ ऊपर की तरफ है, तो जब भी ऐसे बात करते हैं ना तो मुँह के काफ़ी पास रहता है माइक, तो ये सही है। तो कॉलिंग वाइज ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे स्पीकर और माइक्रोफोन इस वॉच में दिए हैं, तो कॉलिंग के हिसाब से ले सकते हो इस वॉच को। तो सबसे पहले तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, तो कॉल का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, और ये जो वॉच है ना वाइब्रेट कर रही है, तो जैसे मैं यहाँ पर ये बटन प्रेस करूँगा वाइब्रेशन रुक भी जाती है, तो मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। और उठाने के बाद भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कॉल म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो कॉल काट देते हैं इसको। बाकी इसमें क्विक रिप्लाई जैसे ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, और एसएमएस नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहती है, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया था कुछ इस तरह से पॉपअप टाइप का आता है, और यहाँ मैसेज आप पढ़ सकते हो, लेकिन इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है। बट ये जो वॉच है ये हिंदी टेक्स्ट को सपोर्ट करती है, तो देख सकते हो हिंदी का कोई मैसेज वगैरह उसे पढ़ना हो तो काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल ये है भाई फायरबोल्ट खंजर डैगर, और डेफिनेटली जो वॉच है यहाँ पर इसकी लुक काफ़ी रगेड सी है, और डेफिनेटली ना इस वॉच की जो लुक है ना वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी सही है, और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है लुक है वो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी, ब्लैक कलर वाली डेफिनेटली मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर इस वॉच में आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो भी काफ़ी सही मिलते हैं, लेकिन गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो वो नहीं मिलेगी। और एक और जो था कि जैसे इस पर म्यूजिक वगैरह सुनते हो ना तो वॉच पे तो वो नहीं होता है, मतलब मेरे फ़ोन पे तो नहीं हो रहा था, बाकी आपके पास अगर ये वॉच है पहले वाली जो वर्जन है तो उसमें कैसे चल रही है नहीं चल रही है वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो ओवरऑल ये है फायरबोल्ट डैगर लक्स एडिशन। तो अगर आपने ये वॉच है इसे परचेज करना हो, आपको इस तरह की जो लुक पसंद है, तो यहाँ पर इस वॉच का जो बाय लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस यहाँ पर इन्होंने रखा है 3499 रुपये, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी फीचर रिच काफ़ी अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। थोड़ी सी हैवी है लेकिन मुझे लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आएगी अगर आपको इस तरह की स्मार्ट वॉचेस पसंद है। तो आपको कैसी लगी ये फायरबोल्ट खंजर डैगर ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।